Hello everyone, welcome to the 10th anniversary celebration of this great film called Vicky Donor, which is directed by Shudit Sarkar. So, आज हम जुड़े हैं, like आज मैं जुड़ा हूँ फराद दलाल से, जो like मेरा वो भी एक regular guest है, जो also shout out to Popcorn Reviews as well, like which is the website which Farad runs, and like बहुत अच्छे reviews भी लिखता है उस पर. So obviously link description में है, so people can check it out. Also like the next guest Manish ji मेरे क्या बोल सकते हैं, अभी Bollywood geek तो है ही यार. मज़ा आ जाता है like उनसे हर बार Bollywood films के बारे में बात करने में. So उन्होंने actually एक suggestion दिया था कि Vicky Donor पे कुछ किया जाए, तो like उनकी वजह से ही आज हम यहाँ पे मिले. So yeah, welcome Manish ji and welcome Farad. So मनीष जी का ही आइडिया था पहले इस वीडियो करने के, तो उनसे ही पहले पूछा था कि मनीष जी कब देखा था, कैसा लगा था ये फिल्म. हाय संकेत, हाय फराद, ग्रेट टू स्पीक ऑन विकी डोनर एक्चुअली. एंड एज आपने पहले ही बता दिया, आज 10 साल पूरे हुए हैं, तो मैंने फिल्म तभी देखी जब फिल्म रिलीज हुई. तो आई वॉज ऑलरेडी इन जॉब, सो आई रिमेम्बर वेरी वेल. मैंने फिल्म पुणे में देखी थी. पुणे में हमारे कुछ कोलीग्स थे जो प्रोजेक्ट में बहुत ओवरवर्क हो गए थे, और पास में थिएटर था, तो ये था एक नई मूवी आई है और अच्छे रिव्यूज हैं, लेट्स गो एंड वॉच. कोई आइडिया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, हमें कुछ नहीं पता था फिल्म के बारे में क्या है. नाम से शायद हम पोस्टर से कुछ आइडिया लगा रहे थे, बट वी थॉट कि जो हम सोच रहे हैं वो बहुत बोल्ड है हिंदी सिनेमा के लिए, शायद नहीं होगा ऐसा, क्योंकि थोड़ा सा उसमें हिंट था पोस्टर्स में वैसा. बट जब हमने देखा, वी वर नॉट जस्ट सरप्राइज्ड अबाउट द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट, बट द वे इट वॉज शोन एक्चुअली. और मैंने, खैर उस समय तक 2012 तक मल्टीप्लेक्स वॉज पार्ट ऑफ अ लाइफ, तो मैंने भी मल्टीप्लेक्स में ही देखी है. तो क्लासी ऑडियंस ही था सारा, यंग मतलब जनरली वर्किंग, और इवन जो फाइनल ईयर मतलब कॉलेज टाइप थे. द फिल्म एक्चुअली इकोड द सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, नॉट जस्ट 10 ईयर्स अगो बट इवन नाउ. फिल्म का इम्पैक्ट जो था, मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि हिंदी मेन स्ट्रीम फिल्म में ऐसा सब्जेक्ट उठेगा. और उठाना, चलो एक चीज़ है, बहुत से लोग उठाते हैं, बट टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव भी आप बोल सकते हो, थोड़ा सा उसमें एजेस पे भी जा सकता है, थोड़ा वल्गर भी हो सकता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है फैमिली के संग, बट वी ऑल नो ऐसा कुछ भी नहीं था. वो इनफैक्ट ऐसी फिल्म थी कि जो एक मेरा काफ़ी डिस्कशन होता है कि पुरानी फिल्म जैसे होती हैं, शायद हो सकता है मेरे संग हो, कि वो ज़्यादा उनमें रिपीट वैल्यू ज़्यादा होता है हिंदी फिल्म की, अगर मैं बात करूँ कि हम बार बार देखते हैं. बट 2000 के ऑनवर्ड्स कम फिल्म ऐसी हैं जो अच्छी फिल्म बहुत बनी हैं बट रिपीट वैल्यू वाली कम. बट विकी डोनर एक्चुअली इज़ वन फिल्म, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बोर हुआ हूँ, इतनी बार वो उसके बाद थिएटर के बाद हॉल पे देखी हो. तो व्हेन इट कमिंग बैक टू व्हेन वी सॉ इट, वी वर रियली ब्लोन अवे बाय द फिल्म. इट वॉज सो लाइट, इट वॉज सो कॉमिकल एट टाइम, इट वॉज सो टॉपिकल एट टाइम, and end actually left us a bit emotional as well, the way it ended. It was superb, it was bahut acha experience tha, full house tha, obviously it was house full, or it was one of those films jo dheeme dheeme jinki word of mouth publicity jise hum bolte hain dheeme dheeme aur badi, and sabko pata hai ki kuch time baad hi it was a roaring hit, not just with the critics but with the everyone. ek badi unique cheez hai mere khayal se. ये फिल्म ऐसी है कि हम लोग के पेरेंट्स की जनरेशन वगैरह को भी बहुत अच्छी लगी है, हालांकि ये टॉपिक उनके हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, बट द वे इट हैज बीन हैंडल्ड, इट इज एक्सेलेंट, इट इज वेरी, यू कैन वॉच इट विद एनीवन. अच्छा, सो नेक्स्ट फराद, कैसा लगा था यार? तो मुझे याद है कि बिकॉज ये 2012 की है ऑफ कोर्स, एंड 10 इयर्स ही सेलिब्रेट कर रहे, तो ये 2012 में ही आई थी. And 2012 was quite a good year, जहाँ तक मुझे याद है, for Hindi films, you know. Later in the year, I think in July, Gangs of Wazirpur भी आया था. So it was उन दिनों की बात थी, मतलब हम बोल सकते हैं उन दिनों की बात थी जब content driven films in the mainstream space in Bollywood वो start हुआ था. Not like remakes, जो अभी every other film is a remake or a biopic, ऐसा नहीं था. So that was actually a start of the millennium से लेके I think start of the decade, जो 2010 वाला decade था start, उसमें काफी सारे content driven films, you know, sometime पहले No One Killed Jessica आई थी, and different genres.
एंड ऑफ कोर्स आई मीन दिस फिल्म व्हाट प्रॉम्प्टेड मी वाज कि आयुष्मान था वो, तो वो रोडीज, ही वाज इन रोडीज, यू नो लाइक आई थिंक सीजन 2 का विनर वाज आयुष्मान, लॉन्ग लॉन्ग बैक. वो क्रिकेट प्रेजेंटर भी था ना, राइट? ही डिड मेनी थिंग्स, यू नो, ही वाज अ कॉम्पियर, वो एमटीवी के साथ जुड़ा था, सो ही डिड मेनी थिंग्स एंड देन टू ट्रांजिशन into, I said, यार ये तो यार मतलब कमाल ही हो गया, मतलब यार they are actually doing, and plus यामी गौतम को didn't know by the name by back then, you know, but like हाँ इनको भी commercial में देखा है, you know, like pen scream का, so I mean this is seems like a nice, तब you know acumen नहीं था cinema का, you know, जो अभी है acumen नहीं था, so I remember watching this with my mother for the first viewing in the theater. My mummy bhi I don't know dekh rahi hai ki nahi stream, but wo baad mein jab dekhegi she'll know ke she's also a movie buff like me, so I get the genes from her. So care, I remember watching it and the subject was such that it was a bold subject, but it didn't seem at any point that I was uncomfortable watching it with her, which was, I think, a great sensibility for the director, Shujit Sarkar. I think Shujit Sarkar was back then starting. Unki ek movie pehle aayi thi yahan, ek atki thi movie, Shubhite. So, you know, is type jo ab tak release nahi hui hai. Jo ab tak release nahi hui hai, Shubhite. Yeah, it had stars Amitabh Bachchan and Nawazuddin, I think it was. Khair. So yeah, so that was the thing, and I really love the film. And I remember in my last year of engineering in 2012. So, अपना मुझे याद है college festival में कुछ free tickets भी मिली थी. हमारा ही college festival था, and ultimately we did a tie up with I think PVR or was it some other multiplex, Andheri West वाला Cinemax था शायद. तब Cinemax हुआ करता था शायद. तो उनके साथ कुछ टाई अप किया था, सो वी डिड गेट फ्री टिकट्स एज वेल, ऐसा कुछ था. सो कॉलेज ग्रुप के साथ मैं दोबारा से गया था वो देखने को, यू नो, सो दैट वाज हाउ मच आई लव द फिल्म. एंड ऑफ कोर्स बहुत ही प्यारी मूवी थी, एंड द सेंसिबिलिटी व्हिच इट वाज मेड, यस इट वाज अ कॉमेडी, इट कुड हैव सो इजीली बीन अ वल्गर कॉमेडी, बट इट डिड हेल्प, यू नो, व्हेन द राइटर वाज आल्सो अ गर्ल, अ वुमन, जूही चतुर्वेदी. आई थिंक शी नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर बिकॉज वो सेंसिबिलिटी की बात आई जाती है, एंड देन इट स्ट्रक दैट मैजिकल ड्यूओ ऑफ शुजित सरकार एंड जूही चतुर्वेदी, वो कॉम्बिनेशन ऑफ देम आई थिंक व्हिच लास्टेड अंटिल रिसेंटली, एंड दे हैव डन ग्रेट वर्क टुगेदर एज वेल. सो ये मूवी काफी स्पेशल थी इन मेनी वेज, एंड आई थिंक इट ऑल्सो मार्क्ड the debut of John Ibrahim as the producer. Yeah, exactly. Yes. So in a recent interview, I think it was with was it with Ranveer Alabadia or someone with John, and he was saying that Vicky Donor was offered to me as an actor. Pehle. So I said ki nahi, and nobody wanted to produce Vicky Donor considering the subject. So because that was the case that he took it upon himself ki I'll produce it, but I'll not act in it simply because it didn't suit the role that he was actually doing, but he wanted to do these high on content sort of films. So he actually brought together two newcomers and a newish director, and the rest they say is history. I mean, look where Ayushman Khurana is today, 10 years down the line. Look where Yami Gautam is today. Look where Shujit Sarkar is today. He directed one of my favorite films from last year, Sardar Udham. So, I mean, all of them have done excellent. Even Juhi Chaturvedi as a writer, she did Piku and October later on, so you know, did prolific Gulabo Sitabo and like other Gulabo Sitabo as well. Yes, so I mean, it was a start of something special, and credit to John for that. I mean, yeah, exactly. Lekin actually, मुझे नहीं याद है कि मैं तो theater में देखी नहीं है, मुझे पता ही है. अगर थिएटर में देखी होती तो मुझे याद होती, लेकिन एक्चुअली क्या किया कि मैंने ये फिल्म देखी और फिर जाके वो अभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो हुआ यार कि स्पर्म डोनर बनना बहुत ही बड़ी कूल चीज है, ऐसा हो गया था. ऐसा और अरे सच में ऐसा हुआ, क्योंकि लाइक ये वो बोलते हैं कि मैं भी 23 साल का हूँ, तभी 13 साल का था, तो तभी लाइक वो एक ये चीज बहुत नई नई थी यार, ये कुछ पता भी नहीं था ऐसा था, तो वो क्या हो रहा है क्या कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा, और लाइक
वो क्या बोलते हैं मैगजीन्स वाला भी वो जो सीन्स थे वो लाइक मुझे वो भी पता नहीं चला था ऐसा सीन चल रहा था. लेकिन लाइक तूने बोला ना कि ऑल थैंक्स टू डायरेक्टर, लाइक ऑल हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर सुजीत सरकार. उन्होंने लाइक इतना ग्राफिक बताना भी अच्छा नहीं समझा, वो नहीं अच्छा चीज समझा, किया, बहुत जस्ट अच्छा यूए किया. किया क्योंकि लाइक राइट ये एक इंस्पिरेशन लिया था आई थिंक, मैं समझता हूँ रिक्वायरमेंट फॉर अ ड्रीम से, जो रिक्वायरमेंट फॉर अ ड्रीम में लाइक एक मतलब ड्रग एडिक्शन के बारे में, और ड्रग एडिक्शन को ड्रग्स जब भी कंज्यूम करते तो वो एकदम क्लियरली नहीं दिखाया. तो इसमें भी ऐसा है कि लाइक वो क्लियरली नहीं दिखाया कि लाइक वो ऐसे देख रहा है और क्या क्या कर रहा है एग्जैक्टली. सो इसमें एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था इसमें, जो यूए मार्केट को कैचअप कर सके. लेकिन लाइक और इवन लाइक जब भी मैंने अभी रिवॉच किया तो मैं मुझे लगा यार कि लास्ट में जो जब भी वो अपने इतने सारे बेटों को देखता है, इतने सारे लड़के लाइक चिल्ड्रंस को देखता है, तो लाइक लग जाता है कि यार ये उधर ही खत्म हो जाएगी. उतनी मुझे इतना ही याद था कि ये फिल्म इधर खत्म हो जाती है. लेकिन फिर जाके वो जो जब भी ट्विस्ट आया कि लाइक उसका एक लाइक उसकी एक बेटी भी है जो लाइक एक अनाथ है, वो मुझे पता नहीं था. मैं एक्चुअली भूल गया था वो कि यार ये वही सब तो ट्विस्ट, हो. दैट वाज द दैट वाज दैट्स व्हाई आई सेड कि जो एंडिंग थी इट गिव्स यू इमोशनल आल्सो, बिकॉज़ बहुत स्वीट जिसे कहते हैं इमोशनल से इट फिल्स यू. और एक एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है जनरली बहुत सी फिल्म्स में, ऐसा हिंदी फिल्म्स में भी, कि दे नो द सब्जेक्ट, दे राइट अ गुड स्क्रीन प्ले, बट एंड में कई बार जो है दे मेस अप. तो एंड इसमें हाइलाइट था, जैसे कहते ना इट इट एंड्स ऑन अ क्रिसेंडो. वो एंड अगर नहीं होता, एंड इट वाज सो सटल, इट वाजंट लाउड, ऑटोमेटिक ग्रोन, मतलब इतनी अच्छी तरीके से इट कम्स आउट नेचुरली दैट इट एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. जहां से मूवी स्टार्ट हुई है वहां से एंड तक बिल्कुल परफेक्ट जिसे कहते हैं. अच्छा एक्चुअली फिल्म सीमलेस है मेरे ख्याल से, तो स्क्रीन प्ले इसका है. इसमें मुझे आई कांट रिमेम्बर इवन अ सिंगल डल सीन. एक्चुअली फिल्म बहुत अमेजिंग है, एंड बिकॉज वी आर डिस्कसिंग सो आई नीड टू मेंशन, नीडलेस टू से, इट इज आयुष्मान खुराना शो, देर इज नो डाउट. एंड एज फराज सेड कि यस ही वॉज ऑलरेडी ए नोन फेस बिकॉज ऑफ रोडीज, और आपने मेरे को संकेत याद दिलाया कि वो क्रिकेट मैचेस प्रेजेंट भी करते थे. इनफैक्ट ही बिकेम क्वाइट पॉपुलर एज अ प्रेजेंटर आई थिंक मैक्स के लिए शायद, बिकॉज आई रिमेम्बर वेरी वेल उसी टाइम में 11th 12th में वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स जतिन, ही एक्चुअली वन सम कॉम्पिटिशन मैक्स का, एंड ही गॉट, वो जस्ट पहले होता था कि आप मैक्स पे प्लेयर ऑफ ये व्यूअर का ऑफ द डे या कुछ अवार्ड मिले, तो ही प्रेजेंटेड, ही वॉज प्रेजेंटिंग. तो हम लोग को लगा था कि यार ये जो बंदा है, नाम भी मुझे ढंग से तब पता नहीं था आयुष्मान का, बड़ा स्मार्ट है, टीवी पे बहुत अच्छा बोलता है, बट वेन वी सॉ हिम मुझे तो लगा ही नहीं कभी कि ये इसकी पहली फिल्म है, बिकॉज अच्छा द वे ही इज एक्टेड, इफ यू सीन द फिल्म, एंड आई कैन टेल यू, बिकॉज एक मेरा एक और कॉलेज का बहुत क्लोज फ्रेंड है गौरव, वो गौरव कपूर एक्चुअली, वो टिपिकल एक्सेंट और जो पंजाबी एक्चुअली केयरफ्री, और ठीक है यार सब कुछ लाइफ में बहुत सीरियसनेस है बट अपनी प्रायोरिटीज भी हैं, हमको एंजॉय करना है. वो उस पर जिस तरह से पोर्ट्रे हुआ है, मैं उसको फ्रेंड को अभी भी बोलता हूँ यार मैं मूवी देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने कैरेक्टर स्टडी किया, मतलब मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो कैरेक्टर कहीं से भी लाउड नहीं है. अगर आप जनरली हमारी फिल्म्स में लाउड कैरेक्टर्स के लिए इनफेमस है हिंदी फिल्म्स, जो कैरेक्टराइजेशन होता है कि पंजाबी है तो बहुत लाउड, वो और ज्यादा जबरदस्ती बोलेगा, राइट. अगर तमिलियन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो जबरदस्ती का वो जितना एक्सेंट नहीं होता है, बट दिस इज परफेक्ट, दिस इज जस्ट क्लोज टू रियालिटी. जो दिल्ली में स्पेशली जो वो सब बोलता भी है, अरोरे भल्ले ये सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, वो सब बहुत रियल है. इट इज टोटली रियल विदाउट लाइक हैमर टॉन्ग कि हम रियल फिल्म बना रहे हैं, ऐसा कुछ उसने नहीं किया था. उसके बाद भी सब कुछ रियल थे, सारे सिचुएशंस थे, पार्लर में चला रही है मिडिल क्लास मदर. एंड द फिल्म का हाईलाइट इज, जैसे बोला मैंने, शो आयुष्मान का है बट हाईलाइट फिल्म का अन्नू कपूर था. अन्नू अरे कपूर दिल जीत गया था उन्होंने. डॉक्टर चढ़ा जो जो है, ही हैज बीन अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एक्चुअली, साइंस सेंस आर्ट सिनेमा, लेकिन पता नहीं कभी कुछ आता है, ही बिकेम पॉपुलर, देन फिर वो जी टीवी के अंताक्षरी वगैरह से ही बिकेम पॉपुलर, बट जिसे कहते हैं जस्टिस फाइनली आके उनको जो मिला है, या उन जो रोल, और जिसने की सच में दैट वाज बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अल्टीमेट रोल है, और मुझे लगता अब मैं किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकता उस रोल. इट वाज ही वाज जस्ट एक्सीलेंट. अच्छा नहीं एक्चुअली लाइक वो मुझे ऐसा लगा कि वो उनका रोल एक
एक अच्छा कॉमिक रिलीफ था लाइक पूरे फिल्म में. हर बार जब भी देखते हो ना, लाइक ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में तो यार कॉमिक होता ही है इन जनरल, लेकिन सेकंड हाफ में कैसे लाइक एकदम सीरियसनेस आ जाती है. लेकिन उनका रोल जब भी आता ना यार, ऐसा लगता है कि चलो यार कुछ तो कॉमेडी होगा. और इसमें सच में ऐसा होता है यार कि वो एक कॉमिक रिलीफ लाते हैं, और वो बहुत अच्छा लगा था यार पूरे फिल्म में. लाइक वो खुद एक कॉन्स्टेंट ही रहे थे ऑब्वियसली, लाइक डॉली अहलूवालिया जी और उन लोग का कैरेक्टर टर्न होता है, ये नहीं होता. लाइक वो मुझे बहुत अच्छा लगा था यार. और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, एक्चुअली हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, और बिकॉज अडल्ट कंटेंट फिल्म का था बेसिकली. उसके बाद जो ओल्ड दिल्ली में जो इस तरह की क्लिनिक्स, इनफर्टिलिटी या सेक्स क्लिनिक्स, दीज आर फेमस एंड दीज आर पॉपुलर. इवन जब 90s वगैरह में वीडियो कैसेट्स आते थे, 80s लेट 80s और 90s में, तो बीच में फिल्म के एड्स आते थे, तो उन एड्स में भी ऐसी क्लिनिक्स के एड आते थे जो काफ़ी हम लोग को एम्बेरसिंग या फनी लगते थे. And the best part is कि वो फिल्म में डॉक्टर चड्ढा का क्लिनिक भी उसी एरिया में है जहाँ पे एक्चुअल में क्लिनिक्स हैं. What I'm saying कि the director and the team जो रिसर्च है, it is not a normal research. It is very well done. It is very well done without gross exaggeration. और टॉपिकल जो है, इतना बड़ा टॉपिक है आज के टाइम पे, 10 साल पहले भी था, उसको बहुत अच्छी तरीके से सेंसिटिविटी से हैंडल किया था, इवन द कॉमिक्स हियर, बिकॉज एज फरहाद सेड, उसका रीजन मुझे भी लगता है कि जूही बीइंग द राइटर, सेंसिबिलिटीज काफी मैचती, कहीं भी ओवर नहीं होता है. जैसे मैगजीन सीन्स वगैरह जो आप बोल रहे हो, इट कुड हैव बीन वेरी वल्गर एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, बट इट कम्स आउट नेचुरली सो फनी कि यू डोंट माइंड सीइंग विद योर पेरेंट्स आल्सो. ऐसा कुछ फरहाद, लाइक तुझे कुछ ऐड करना? So I also would like to add one thing ki I am a big fan of culture and yahan pe do distinct cultures ko you know milaya gaya hai, you know, one is the typical Delhi Punjabi wala culture and one is the Bengali culture. To wo bhi jo do cultures ka milan hai wo matlab bahut hi pyara dikha hai. And you know I remember that मछली वाला सीन जो है वो के बहुत फनी था वो यार. एंड सो या सो इट वाज मच मोर देन यू कैन से अ कॉमेडी. एंड आप अगर देखोगे तो ये एक फॉर्मूला अगर मिल गया था बॉलीवुड को, तो कितनी ही फिल्में उसके बाद इस मतलब सिमिलर टॉपिक्स पे बनी है, यू नो. एंड नॉट एवरी फिल्म वाज सक्सेसफुल एट द एंड ऑफ द डे. मतलब फॉर्मूला मिलने का ये मतलब नहीं है कि यू जस्ट गो ऑन रेप्लिकेटिंग इट, यू नो. सो इट जस्ट शोज कि अगर डायरेक्टर अच्छा हो तो एक मतलब ये मैं बोलूंगा ऑन पेपर इट वाज नॉट अ वेरी यू वुड से नॉट अ वेरी कमर्शियल, नॉट अ वेरी आई वुड इवन नॉट इवन गो टू एन एक्सटेंट इन सेइंग इट वाज नॉट वेरी लेयर्ड एज वेल, आई वुड से ऑन पेपर एटलीस्ट. But जो direction था, it added so much to it, you know. I mean, it had that right moments of जहाँ पे ठहराव कहते ना, वो right moments of ठहराव था वो screenplay में, where to you know just have a laugh and where to be a little serious. अगर पूरा ही मजाक 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 होता तो वो मतलब convey नहीं हो पाता वो point. At the end वो जो जैसे मनीष सर कह रहे थे कि you know वो ending बहुत ही मतलब नाजुक था एंड इट वाज वेरी इमोशनल, वो अगर आप पूरा ही कॉमेडी करते तो देन वो नहीं, वो मतलब सडन स्विच हो जाता. बट एट वेरियस प्लेसेस देयर वर लिटिल सेंसिबिलिटीज, यू नो, लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन विक्की एंड आशिमा, यामी एंड आयुष्मान, वो मतलब ऐसा नहीं था कि इट वाज लाइक बस घुमा ही रहा है. बोथ हैड इंडिविजुअल पार्ट्स, यू नो, शी हैड अ बैगेज दैट शी हैड कम विद, शी वाज अ डिवोर्सी. Then एक बाद में ट्विस्ट भी आता है कि you know she's infertile, वो भी एक होता है. तो there were layers which were actually nicely woven in the screenplay. I think story, when I think story was simple on paper, but screenplay was you know executed and quite layered. जो आजकल एक रेफरेंस अगर हो तो आजकल मलयालम फिल्म्स में देखने मिलता है, you know, simple premise but complex screenplay, layered screenplay. So ये वाला वो वाला केस था.
बट आप लाइक आप दोनों को ऐसा लग सॉरी लाइक आई एम कटिंग यू ऑफ बट लाइक आप लोग को ऐसा लगता है कि लाइक ये लेयर्ड स्क्रीन प्ले लाइक आपने आई थिंक फरहाद ने एक्चुअली बात की थी कि लाइक एक फॉर्मूला मिल गया है तो अभी ऐसा लगता है कि यार अभी के जमाने के फिल्म लाइक एक ऐसा फॉर्मूला उठाते हैं और फिर जाके वही फॉर्मूला से ही फिल्म बनाते हैं नॉट जस्ट कि अपना कुछ अलग रिसर्च करे और फिर जाके कुछ करे. मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि जो फरहाद ने जो दो कल्चर्स की बात की बिकॉज ये एक्चुअली बहुत यूनिक चीज़ थी जो इस फिल्म में दिखाई थी. ऑल दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग कल्चर्स की फिल्म्स ब्लॉकबस्टर 80s के टाइम से हो चुकी हैं एक दूसरे के लिए एंड ऑफ कोर्स उसकी ओरिजिनल तमिल फिल्म थी कमल हसन की. तो लेकिन इस फिल्म में जो पंजाबी और जो इवन जो सीन्स हैं जिसमें वो झगड़ते हैं वो बहुत फनी दिखाया है वो और वो फनी वो फोर्स नहीं लगता है द वे दे से ना कि मतलब I won't go into details, but वो generally जो जो उनकी fight होती है वो कहती है कि अरे बंगाली ऐसे होती हैं और उसके father कहते हैं कि पंजाबी ऐसे होते हैं. This is the mindset basically of the communities actually about each other. जो कि अगर हम बहुत aggressively show करें तो वो screen पे बहुत uncomfortable लगता है. But एक funny way में दिखाया था तो वो बहुत हंसी और बहुत light way में दिखाया था. जो आप बोल रहे हो वो फॉर्मूले की बात कर रहे हो तो आई फॉर्मूला तो आई एम नॉट टू श्योर कि कितना सक्सीड हुआ उसके बाद या नहीं मुझे लगता नहीं हुआ. लेकिन टू स्टेट्स एक फिल्म आई थी आई थिंक उसके बाद ही आई थी शायद आई डोंट रिमेंबर द ईयर उसमें भी काफी अच्छी तरह से हैंडल किया था ऑल्दो वो नॉवल पे बेस्ड थी बट मेरे को उसमें जो नॉर्थ साउथ का जो कल्चरल हैंडलिंग थी आई लाइक इट आई लाइक द वे इट वॉज हैंडल इट डिडंट गो टू मच ओवर बोर्ड. बट मुझे अगेन लगता है कि बहुत ज्यादा सेंसिबिलिटीज चाहिए जो कि आगे प्रॉब्ली राइटर और डायरेक्टर कॉम्बो में नहीं थी कहीं पे ऐसी या ये डिस्टिंक्टनेस ट्राई की लोगों ने नहीं दिखा बिकॉज इवन एज फरहाद सेड यामी गौतम एक्चुअली इस फिल्म में द वे शी एक्टेड एंड ऑफ कोर्स शी इज बिगर स्टार देन व्हाट शी वाज समहाउ मैं पर्सनली बोलूंगा मुझे उतनी अच्छी एंड इनफैक्ट उतनी सुंदर भी यामी उसके बाद किसी फिल्म में उस लेवल की नहीं लगी जब द वे शी एक्टेड हर सीन्स द ब्रेकडाउन सीन्स when she comes to know about the medical report and she knows about Ayushman's past yeah even her scenes lighter scenes with her dad and all she was very natural uske baad bhi kafi films achhi ki hain but I think for me Yami Gautam ka best performance mere khayal se I'll be biased probably but Vicky Donner hi rahegi acha and Ayushman of course became what 70s and 80s mein middle of the road jo cinema stars the Amol Palekar and Farooq Sheikh, he became fit for such unconventional themes and he did a great line of films after that. And ek cheez aur main point karunga jo shayad sabne notice ki hogi film ka music bhi bahut acha tha and especially the song which he sung Pani Da Rang it was amazing. Mere ko to yakeen nahi hota ki wo usne hi gaya hai baad mein jab credits do teen baar dekhne pade yakeen karne ke liye ki bhai kitna talented hai banda matlab itni natural acting ki hai aur so it was a good package. The teamwork was very good. लेकिन यार लाइक एक एक्चुअली बात पूछना चाहूंगा कि लाइक आपको ऐसा आप दोनों को ऐसा लगा कि लाइक ये फिल्म किक स्टार्ट किया लाइक वो एक सोशल मैसेज जैसा फिल्म बनाने का विद अ कॉमेडी ऑब्वियसली विदिन कमर्शियल फॉर्मेट विदिन कमर्शियल फॉर्मेट या लाइक ये लाइक डिड इट दिस फिल्म किक स्टार्ट लाइक व्हाट आर यू यूज ऑन दैट. I'll add that I think Piku also was in that genre, in that genre. If you look at it in a way, same team of course, the writer director. उसमें भी comic scenes काफी हैं और emotional scenes भी हैं. उसमें भी parents और rather single parent, single old parent और child का child तो नहीं बोलूँगा grown up मतलब जो relation दिखाया है, वो बहुत subtly और बहुत realistic दिखाया है and it was done very well. I'll say social message तो चलो इतना strong नहीं था जैसे इसमें topic जिसमें मैं कह रहा हूँ topical लेकिन फिर भी वो एक kind of a formula like Shuchit kind of got hold कि कैसे commercial format में कुछ हम senseless नहीं होना चाहिए कुछ there is sending across some message maybe so that's what I feel. Farhad I think sorry. I was saying कि आयुष्मान खुराना की और भी फिल्म्स आई हैं जिसमें टॉपिकल विद इन कमर्शियल फॉर्मेट टॉपिक बधाई दो भी बधाई हो रादर उसमें भी आई फील रिमेंबर या हो इट वाज आल्सो क्वाइट गुड एंड अ वेरी स्ट्रांग मैसेज अगेन नॉट वेरी फोर्स्ड बट विद इन द लाइट एंड सम इमोशनल सीन्स इट वर्क वेरी वेल.
अच्छा फरहत, यू वांट टू ऐड समथिंग? सो वही है कि या इट इन अ वे डिड किक स्टार्ट दैट जॉनर जो है, एंड नॉट एवरी फिल्म वाज सक्सेसफुल आफ्टर दैट. आई मीन जहां पे मार खाते थे फिल्म मेकर्स, आई फील वाज कि या तो आप बहुत ही फ्रिवलेस बना देते थे, यू नो, बहुत ही ज्यादा कॉमेडी, फोर्स्ड कॉमेडी, आई वुड से. आई वुडंट से कि एकदम, आई डोंट रिमेम्बर एनी कॉमेडी व्हिच मेड मी लाफ सो मच इन, आई थिंक आफ्टर धमाल प्रोबेबली. बट फोर्स्ड कॉमेडी की मैं बात करूंगा कि डालते या तो यू आर नॉट सेंसिटिव इनफ टू द सब्जेक्ट या फिर यू नॉट रिसर्च द सब्जेक्ट इनफ. ये कुछ कॉम्बिनेशन का की गलतियां हुई है. मतलब आपको अगर जैसे मनीष सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था कि मतलब द रिसर्च डन इन द फिल्म वॉज एक्चुअली शोन ऑन स्क्रीन, आर्टिक्यूलेट था. आई थिंक वन ऑफ द सीन्स ऑल्सो था कि कितने टाइम्स आप स्पर्म डोनेट कर सकते हो. सो आई थिंक द फिगर अराउंड वाज 73 और समथिंग इन एन इंटरव्यू दैट आई हैड सीन. सो वहां तक रिसर्च किया गया था, यू नो, एंड इन इंडिया आई एम सेइंग बाय द वे 73 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई एम डोंट कोट मी एनीवेयर, बट मेरे को कोई इंटरव्यू में याद है 70 ऑड बोला था, 73 था मेरे को जहां तक याद है. बट वही था कि रिसर्च बेसिकली, पॉइंट कहने का ये मतलब है कि रिसर्च बहुत ज्यादा की गई थी डिस्पाइट इट नॉट डिमांडिंग एज मच. ऑल्सो आई फील द स्क्रिप्ट वॉज नॉट डिमांडिंग कि भाई इतना हद तक रिसर्च करो, बट की गई थी, विच इज अ गुड थिंग. एनी रिसर्च इज अ गुड थिंग. सो आई फील कि definitely it did kickstart, and फिर तो कितनी सारी फिल्म आई थी. मतलब एक आयुष्मान के भाई ने खुद की थी अभी हाल ही में, हेलमेट करके, which was, I didn't like it so much. मतलब प्रॉब्लम ये है कि मतलब आप या तो आप सेटिंग चेंज करो या तो कुछ चेंज करो. मतलब हर आप हर सब्जेक्ट को स्मॉल टाउन में डाल के यू ट्राइंग टू इंटरप्रेट दैट, which doesn't always work, you know, it gets a little repetitive. Fully agree. That is the thing. That's so. That is happening actually. That has happened. That is happening. A lot of. मतलब ये problem, it is not only in small town, na. It can be a urban hip story also, right. But that problem comes. So आप typecast जो कर देते हो ना, मतलब कि small town है या गांव की ही story है, मतलब वहीं पे होता है, यहाँ पे तो नहीं होता. ऐसा नहीं है. है ना, मतलब आपने रिसर्च नहीं किया, दैट मींस एंड यू टाइपकास्ट इट व्हिच मेड इट इवन मोर स्ट्रेंज, यू नो. एंड बहुत सारी गलतियां करते थे इन रेप्लिकेटिंग द फॉर्मूला. प्रोबब्ली दे थिंक दे गॉट दिस फॉर्मूला, यही वर्क करेगा. वो जो नहीं होता है, प्रोबब्ली दे पिक अप द रॉन्ग थिंग्स ऑफ द फॉर्मूला. एंड दैट्स व्हाई यू सेड प्रोबब्ली दे थिंक कि सेटिंग्स जो है वो ओके यूएसपी है, बिकॉज स्मॉल टाउन में पहले इतनी नहीं थी, तो अब अच्छी लगती. बट इफ यू जस्ट base anything on small town, that will not work, and that is not working. Past 2-3 years mein, if you see, it is not working itself. Even on OTT, itni nahi accept ho rahi hai, because aisa nahi ki aap wohi dikhate raho, just aapko pata chal gaya ki small town mein thoda sa wo hai, to wohi chalega. It has to be something good, and it can be based in big metros, that as you said. But I think Manish ji, like ye small town to hai, like usme comedy bhi achhi honi chahiye, like just iske jaisi Vicky Donor jaisi hi achhi comedy honi bhi chahiye, like not just small town. वो एक मैच्योर कॉमेडी फिल्म भी होनी चाहिए जहाँ पे लाइक राइट टाइम पे वो जोक्स आने चाहिए, वो वैसा वैसा एक्चुअली करना चाहिए जो अभी नहीं होता. लाइक एक्चुअली फरहाद कुछ बोलना चाहता है. आई जस्ट वांट टू से वन मोर थिंग टू व्हाट यू जस्ट पॉइंटेड आउट अभी संकेत. सो आई फील दैट लोग क्या करते हैं ना कि दे ट्राई टू ओवर कॉम्पेंसेट इन द डायलॉग्स कि भाई कॉमेडी आ रही है कि नहीं आ रही है, चलो ये भी डाल दो. उससे क्या होता है ना कि आप ज्यादा क्रिंजी बना देते हो, एंड वंस द सब्जेक्ट जो अच्छा सब्जेक्ट एट हैंड इट बिकम्स क्रिंजी, देन फिर द मूवी जस्ट नोज डाइव्स फ्रॉम देयर. तो वहां पे गलती होती है, आप ओवर कॉम्पेंसेट एट टाइम्स कर देते हो. यहाँ पे क्या है कि ह्यूमर वॉज नॉट इंटेंशनल, इट वॉज सिचुएशनल, बट आ जाता है ह्यूमर. मतलब थोड़ी ना वो लोग ने मतलब ऐसे जोक मार के बोला है कि भाई स्पर्म डोनेट आहा, ऐसा थोड़ी ना था. इट वॉज सिचुएशनल, वो बन गया था, वो मोमेंट बना था, ऐसे था. इट वॉज नॉट, they were trying out to be funny. It is not a funny film to be watched, you know, tried out nahi tha, but by the way humor aa gaya tha. Aise agar aa jaye to that is good, but agar aap dialogues mein specifically joke likhte ho ki oh ho maine ek homophobic pe joke likha, oh ho brilliant, so you've lost the case, right? Matlab aap totally first century mein. Exactly, yeah, bilkul agree kar raha hu. Jo Farhad actually you are saying is that is what actually मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग एज व्यूअर ये चीज समझ पाते हैं और
probably unko pata hai, they know the obvious, still they work on, I don't know what exactly is the problem. But and I also want to mention about the director, actually, Chuchit, as you said, if you remember Yaha, it was a beautiful film. But in spite of all the acclaim, it was bahut zyada dekhi hui nahi hai logon ne, if I can say so. But if you ask a normal viewer, shayad nahi bhi dekhi hogi. मैं बता रहा हूँ क्योंकि सैटेलाइट पे भी बहुत ज्यादा नहीं आती है और जब आई थी तो अक्लेम बहुत मिला था लेकिन इट वाज बट जो एक अराइवल होता है ना कि ही अराइव्ड ये इट इज ही अराइव्ड विद दिस ही अराइव्ड विद विकी उससे पहले ठीक है वो जो था बट विकी वाज द फिल्म इसमें सोचे उसके बाद यू नो ही बिकेम आई मीन इनफैक्ट अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट अ फिल्म ही इज शूटिंग सम फिल्म इन लखनऊ इटसेल्फ एंड बहुत मतलब अब सबको पता है भाई सुजीत सरकार मतलब एंड कंट्रास्टिंग थिंग इज कि इसके बाद दे मेट मद्रास कैफे एग्जैक्टली विद जॉन अब्राहम स्टारिंग इन इट इट वाज अमेजिंग आई लव्ड इट इट वाज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट टोटली डिफरेंट जॉनर मतलब मेरे को जब देख रहा था मेरे को यकीन नहीं आता क्या मतलब व्हाट इज हैपनिंग यार ये इज द सेम पर्सन हु मेड लाइक विकी एंड देन नाउ this is what you can show and then Piku again ek aur commonality hai Vicky and Piku mein which I'm sure ek to Delhi aur Calcutta ka connect bahut strong dikhaya hai aur actually cultures ko jaise Farhad said cultures ke sang main bolunga ki even city ko you can feel even in Vicky you can feel you are in Delhi and yeah, you can yeah. feel you are in Calcutta for whatever small part it's shown in Calcutta although it's more of Delhi film Vicky but still thoda sa part hai jisme Calcutta but he knew of course Piku mein bahut zyada pronounced hai wo different but he knows what I'm trying to say ki Shochit ko pata hai ki culture ko kaise dikhana hai aur even cities ko bahut acche tarah se capture kiya tha jo starting mujhe lagta hai although main shayad bolun kuch to shayad ho sakta hai disagreement ho jo inki combo ki last film thi with Ayushman and Chuchit Gulabo Sitapo. It was based on actually in my Lucknow, but I didn't like the film. I don't know about people. Mujhe laga ki us film mein wahi problem hai jo Farhad abhi baat kar rahe the ki just aap kuch bhi set kar do ek medium mein small town mein and situational comedy hai but jab aap execute karo to kahin na kahin lapse hota hai. That is what I personally felt. Maybe people don't agree with that, but of course agar agree bhi karenge to it is not definitely not like Vicky Donor isme koi shak nahi hai so that is what actually I think but like coming back to this film like actually main puchna chahunga like Manish ji ne ye ek baat boli thi isme ki pani da bahut acche like acha laga tha aapko to aur kaun se gaane hain like aap dono ko like acche lag rahe main personally bolu mujhe wo ek gana tha rokda karke ek gana hai jo like कभी लाइक स्टार्टिंग में आता है वो बहुत अच्छा लगा था यार मतलब मैंने इवन उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने देखा था मुझे बहुत बार नहीं पता चलता मुझे बहुत अच्छा लगा था लाइक बहुत अच्छे टाइम पे आ रहा था वैसा था तो आप दोनों को लाइक कौन से गाने अच्छे लगे थे एक्चुअली जो शादी में शादी का सॉन्ग जो है जब बारात नहीं जब बारात आती है वो हां दैट वाज रियली डांस सॉन्ग भी है और बहुत अगेन द वाइब्स एज वी आर सेइंग कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी शादी में ये नहीं होगा वो कहते हैं नहीं होगा कैसे नहीं एंड मतलब वो दिखाया जो है वो बहुत एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग एक्चुअली फेसेस द फिल्म काफी अच्छा था अच्छा फरहाद मेरा फेवरेट एल्बम का डेफिनेटली पानी दा रंग ही है एंड दैट सॉन्ग स्ट्रेंजली इनफ उसने अपने कॉलेज फ्रेंड रोचक कोहली जो आज म्यूजिक डायरेक्टर है उन्होंने साथ में कंपोज किया था ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज जो मतलब इट वाज यूज्ड इन द फिल्म अपेरेंटली पानी दा रंग की बात कर रहा हूं ओके सो ये डेडिकेटेड ये फिल्म के लिए नहीं था लाइक ये सॉन्ग इट वाजंट मतलब मेंट टू बी बट आई थिंक ही मस्ट हैव शोर इट टू जॉन इब्राहिम वाज द प्रोड्यूसर एंड ही रियली लव्ड इट एंड दे इनकॉर्पोरेटेड दैट इन द स्क्रिप्ट मतलब ये बेसिकली सॉन्ग जो है उसने आयुष्मान ने अपने कॉलेज डेज में with his friend Rochak Kohli who is a music director again today साथ में उन्होंने मिलकर compose किया था and Ayushman ने गाया भी था तब I think college के इसमें it was an original composition and he was focusing he said on Punjabi soft rock basically that is what the genre of the music was
तो ये मतलब इन्होंने वो किया था, दैट इज डेफिनेटली माय फेवरेट. एंड इवन आई लाइक दैट पार्टी नंबर राइट एट द एंड, यू नो, जहाँ पे जॉन इब्राहिम आता है, हाँ नैना हाँ नैना वो यस यस वाला, यस दैट वाज वही आल्सो पार्टी एक्चुअली सॉन्ग, अच्छा सा सॉन्ग. तो वो ये दोनों सॉन्ग्स मेरे लिए अच्छे स्टैंड आउट करते हैं. एंड वो उसका हुक स्टेप भी बड़ा प्यारा था, यू नो, इन दैट पार्टी सॉन्ग, लव 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 लव. वो तो शादी में वो भी आता था कि वो शादी में भी पहली बार बारात में आता, उसके बाद फिर एंड पे हाँ, फाइनली पूरा. मुझे याद है अपने कॉलेज फेयरवेल का टाइम था, वहां पे ये सॉन्ग बजा था और हमने खूब नाचा था. आई रिमेम्बर दिस सॉन्ग. अरे बाप रे, बहुत लाइक मेमोरीज जुड़ी है यार ये फिल्म और इवन ये बिल्कुल. सॉन्ग्स के साथ, इसके लाइक इसके सॉन्ग के साथ भी. डिस्कस्ड is the role of the two ladies actually, the dadi and the mother. Actually, it was something very USP which changed the total perception दादियों का और actually एब्सोल्युटली even single mothers का. बहुत बहुत funny और बहुत अच्छा दिखाया था, बहुत अच्छे सीन्स हैं. इवन जब वो दोनों ड्रिंक कर रही हैं छत पे, या जब वो देखने यामी के पेरेंट्स आते हैं, या मतलब फादर एंड बुआ आते हैं देखने हैं, और दादी जैसे बोलती हैं कि शादी नहीं की, मैंने बताती, मैं मुन्नो दी लाइन लगा दे. मतलब वो इतना ह्यूमरस है. और वो स्पेशली दादी, आई मीन डिफिकल्ट टू से हु वाज बेटर, डॉली आई मीन द मदर, हु प्लेड द मदर और द दादी, बट बहुत बहुत अच्छा था. इवन जो मदर सन का रिलेशन है, सिंगल मदर नाउ एंड ग्रोन अप सन, जो कि और इवन दादी ग्रैंड मदर से जो है, इट इज वेरी रियल. ग्रैंड मदर्स जो हैं वो ग्रैंडसन से बहुत क्लोज होती हैं, वो आई थिंक हम सबको जिनकी ग्रैंड मदर से एसोसिएशन, और दे हाइड अगर पेरेंट्स या मदर्स कुछ अगर डांटते भी हैं तो वो बहुत अच्छे तरह से सटल तरह से दिखाया था कि दे टेक देयर साइड, ग्रैंडसन के लिए सब कुछ माफ है. और ये बहुत अच्छा इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था, लगा था मेरे को. इट नीड्स टू बी मेंशनड एक्चुअली. आई वाज आल्सो सेइंग कि वो एक तरीके का स्टीरियोटाइप ब्रेक किया था, क्योंकि वो एक दौर था एंड आज भी सैडली दौर है इन दैट इंडियन टीवी की मतलब द लेडीज डू नॉट गेट हाँ वेल विद ईच अदर, यू नो, लाइक वो झगड़े होते हैं या बिटवीन इवन द वाइफ एंड द मदर इन लॉ, जो भी है इस टाइप के मतलब झगड़े होते हैं. ये बहुत ही मतलब बिल्कुल सही कहा मनीष सर, बिल्कुल मतलब अलग टाइप का, मतलब यू नो, इट वाज नरेटिव व्हिच वाज वेरी कूल. एंड आई थिंक राइट, वो दादी तो बड़ी हिप थी. आई मीन शी, आई बहुत रिमेम्बर शी बहुत वाज सेइंग कि कुछ क्या आईफोन, लेटेस्ट आईफोन नहीं आया मार्केट में, या इस टाइप का नहीं, कुछ जोक ऐसा भी टाइप आईफोन लेके दिया, के लेकिन 16 GB का है, मुझे 32 GB का हाँ चाहिए था. 32 GB का था. अरे सो कूल मैन, अमेजिंग यार. वो आल्सो आल्सो सुहानी हैज जॉइंड द आई कैन से या कॉन्वर्सेशन. सुहानी, हाय सुहानी, मिसिंग यू, गुड टू लेकिन सी यू. हाँ फरहाद कंटिन्यू, सॉरी. नहीं तो मैं वही बस कह रहा था कि वो मतलब इस टाइप के जो कॉन्वर्सेशन थे, मतलब इट रियली बहुत एडेड अ न्यू अच्छा, डिमेंशन, यू नो. मतलब यही तो है, मतलब हम जब थोड़ी देर पहले ह्यूमर की बात कर रहे थे, ये थोड़ी ना मतलब फनी था, ये तो बन गया ना फनी, मतलब राइट, सिचुएशन आ गई ना, लेके आए ना अब सिचुएशन. इट वाज नॉट कि एब्सोल्युटली, मतलब आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा है जो आई एम वांट विद एन इंटेंशन टू मेक द ऑडियंस लाफ, इज व्हाट आई एम यस, सेइंग, है ना, ये एब्सोल्युटली. बात. और उनके प्रोग्रेसिव व्यूज भी, लाइक जब अभी सुहानी ने मेंशन भी किया कि दिल्ली में यही दो ही मैं चीज मॉडर्न है, एक मेट्रो और तुझे ट्रस्ट आप. मी सुहानी, यही मैं आई वाज अबाउट टू मेंशन द सेम डायलॉग व्हिच सुहानी, बिकॉज इट रियली रिफ्लेक्ट्स एक्चुअली कि दिल्ली में अब दिल्ली मेट्रो इज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड मॉडर्निटी. तो वो इक्वेट करता है अपनी दादी को उससे, तो उससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिल्ली वालों के लिए नहीं हो सकता. तो बहुत अच्छा था, इट वाज एंड इट वाज वेल डिजर्व, बिकॉज वो सब सैड सीन्स होते हैं. एंड देन शी ऑफ कोर्स बहुत मैच्योर दिखाया था, जो हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम्स के बाद भी जो उसके फादर यामी का और जो इनके मतलब दादी अंदर से कि यार हो गया जो खत्म, मतलब लेट्स एंड इट, इसको कुछ आगे सोल्यूशन देखते हैं, बिकॉज बहुत अच्छा था. एंड शी सेज नो आई नीड टाइम, बिकॉज दैट इज व्हाई आई एम सेइंग मैच्योरिटी ऑन द लेवल ऑफ नॉट जस्ट राइटिंग बट डायरेक्टिंग, शोइंग यू कैन रिलेट टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन स्क्रीन. ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली तुम देखो यार क्या दिखा रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है, क्या है, ऐसे लोग हाँ, कहाँ होते रिलेटेबल हैं. था. नहीं हाँ मैं जानता हूँ ऐसे लोग होते ही नहीं कहीं पे, ऐसे कुछ भी दिखा देते हैं, इसलिए ऐसा तो नहीं यार है. सच में लाइक हैट्स ऑफ टू तो डायरेक्टर सुजीत सरकार. बहुत अमेजिंग एक्चुअली. आई थिंक आयुष्मान वेंट ऑन अ स्प्री, जैसे मैंने बोला बहुत अमेजिंग फिल्म उसके बाद की, और तो टोटली कंट्रास्टिंग है ऑल्सो. एंड लाइक
आर्टिकल 15 आल्सो ही डिड या ही शोड हिज रेंज मतलब बट समवन हैड टू टैप इट जब वो विकी डोनर में टैप किया तभी पता चला कि ही सच अ पावर हाउस वाज एब्सोल्युटली या फरहाद सेइंग समथिंग यू आर एडिंग समथिंग फरहाद आई थिंक फरहाद को लगता है सुनाई नहीं दे रहा है वो आई थिंक नेटवर्क की हो सकता है प्रॉब्लम बट हो सकता है फरहाद नहीं सुनाई दे रहा लगता है I think I am back now. अभी आ रही है वॉइस आ रहा है हाँ 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 या ओके बट यू वाज सपोज्ड टू ऐड समथिंग या I actually was saying कि because of this film and it's a little it's a big statement that I'm making that because of this film आप देखेंगे तो both यामी गौतम as well as आयुष्मान खुराना stayed relevant despite I think उनकी कोई बैक टू बैक कोई सक्सेस थोड़ी ना आई थी आयुष्मान ने तो जोर आई थिंक बाद में पकड़ा था यू नो आफ्टर बरेली की बरेली एंड बाद में वो दौर आया था आयुष्मान खुराना का 2016-17 के बाद एंड यामी गौतम लाइकवाइज अभी शी इज अगेन कमिंग बट दे ये मूवी ऐसी थी कि बिकॉज यू नो पीपल रिलेटेड विद इट सो मच एंड यू नो इतनी ज्यादा बात हुई कि दे स्टेड रेलेवेंट फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम आई वुड से Right. It, of course, it would have a shelf life. I mean, आप deliver नहीं करोगे तो then but up to a point, you know, like Nautanki Sala did not work. उसके बाद एक film वो कौन सी हवाई जहाज आई थी? बेवकूफी आई थी. वो सब नहीं चली. हाँ, बेवकूफी आई थी. It didn't work. आयुष्मान didn't work. मतलब he was written off left, right, and center. But I think ये एक film थी जो इसकी filmography में थी, which made him stay slightly more relevant, which gave him that one extra chance that I think he made it count after that. Right. And I like to add for the same for even, oh, is it? Yeah. Suhani. Yeah, that's Shah. Right. Yeah, he said it in an interview. I Bambre, such me? Okay. My God. Yeah. Okay. Achha. So I was saying, Anu Kapoor also stayed relevant in the sense ki uske baad not just television and radio shows which he does, aise roles bahut jaise ki Jolly LB2 mein advocate Pramod Mathur and then with Ayushman again Dream Girl, the father son ka jo comedy scene hai aur wo hai bahut acche the actually main aisa bol raha hu rare example jahan pe actor ka peak relatively old age mein aaya compared matlab he's been active since so long but and this film triggered this off so kafi acha it was a good the way it ends I mean their relation also he says yaar ek bar aur karte and that one the last and he yami understands that what they are talking is chalo ek bar aur matlab bahut sweet dikhaya tha aisa dramatic nahi tha acha बट एक्चुअली फरहाद कुछ बोलना चाहेंगे लाइक इस रोल इस कैरेक्टर के बारे में लाइक तुझे कैसा लगा था आयुष्मान का नहीं अनु कपूर का अनु कपूर का ओके अनु कपूर का आई थिंक इट उस टाइम पे ऐसा था कि द थर्ड रीजन टू वॉच वाज अनु कपूर बिकॉज़ इट वाज एन इंटरेस्टिंग कास्टिंग मतलब आप आई डोंट थिंक आप अनु कपूर को थिंक करोगे आई थिंक व्हाइल you may be even writing that role but you wouldn't associate you know anu someone like anu kapoor to play that role I mean and I don't know if it's true or not but they may have approached other actors and nobody would have said yes to that role simply maybe. Because how bold that character was yes. and it also had to do ki yaar ye ek aur cheez hai ki characterization aapka jo hai na wo define karta hai ki aapki film kaisi hai I mean this could have so easily been that cringy type of a character jo you know joke marte rehta hai and you know but right. thoda fir last mein chalo sensibility dikha dete chalo that is the kind of character that it could have been if it wasn't for someone like Sujit Sarkar and Juhi Chaturvedi for sketching out that character such that it doesn't go overboard with the jokes at the same time doesn't be too dull as well it was like and it was so well performed you know like Anu Kapoor मतलब एब्सोल्युटली मतलब वी वेंट इन विद कि भाई चलो आयुष्मान ये बट आई थिंक ही वाज द स्क्रीन स्टीलर एट द एंड ऑफ द डे ये इसमें कोई दो राय नहीं है मतलब ये फैक्ट है एक एक सीन में मतलब ही वाज किलिंग इट यू नो विद द वन लाइनर्स दैट वाज देयर द वे ही वाज फॉलोइंग एंड कन्विंसिंग आयुष्मान तो ये ले ले तो वो ले ले और इवन फोन पे पैक करवा रहा है मेड इवन जस्ट सबको एक एक स्पर्म का नाम दे रहा है लाइक ये कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूज्ड स्पर्म
वो ये भी था ना कि कार्मिक महाभारत में, महाभारत के टाइम से होता है ये सब, ऋषि बाबा मुनि जी And there are reference to I think Sikandar Alexander also and all that he tried to convince him through mythology to history to everything ethics to social work ki tum karo karo paisa sab kuch hai ek main closing matlab main taraf se last ek point aur main bolna itna add karna chahta hu ki hindi films mein delhi ka presentation thoda extremes mein hai either to old city jo old city jama masjid ka area hai usko thoda bahut हार्टलेस फॉर्म जैसे सुहानी ने बोला तो या तो ओल्ड सिटी को कैप्चर करने की क्योंकि कल्चर या उसके मॉन्यूमेंट्स की होती है या फिर एकदम एक्सट्रीम रिच अपर या ब्यूरोक्रेट्स या न्यू दिल्ली जैसे हम बोलते हैं इंडिया गेट एंड ऑल दोस थिंग्स एक जो मिडिल क्लास दिल्ली भी एग्जिस्ट करता है वो शायद लोगों को पता नहीं था मेरे ख्याल से क्योंकि फिल्म्स में बहुत बॉम्बे के को बहुत लोगों ने कैप्चर किया एक्चुअली बासु चटर्जी एंड ऑल जो जो मिडिल क्लास को बट दिल्ली के मिडिल क्लास को पता नहीं मेरे को कुछ समझ में नहीं आया अभी तक कि क्या प्रॉब्लम थी कैरिकेचर इसका नहीं या तो एक्सट्रीम्स में ही था या तो मतलब जैसे मैंने बोला आर्किटेक्चर मार्वल की तरह से यूज करते थे या फिर न्यू दिल्ली और फिर कॉर्पोरेट्स हैं या लक्ष्य में भी जो पार्टीज है विच वर गुड आई वाज नॉट कंप्लेनिंग अगेंस्ट देम बट एक नीड थी कि ये जो मिडिल क्लास है दिल्ली का उसको भी थोड़ा दिखाया जाए उनकी लाइफ तो आई थिंक उसमें दिस फिल्म एक्ट्स वन ऑफ द हो सकता है पहले भी आई हूँ मुझे नाम तो नहीं याद आई थिंक दिल्ली सिक्स भी उसके पहले आई थी तो लाइक बट दिल्ली सिक्स भी अगेन इट आल्सो अगेन वो सेम चीज मुझे बोलो या तो आप पुरानी दिल्ली या उसको कैप्चर करते हो या फिर वो लेकिन जो एक जो दिल्ली वाले जो है मिडिल क्लास भी हैं एग्जिस्ट करते हैं जो नॉर्मल उनकी लाइफ कैसी होती है या उनके एजेस कैसे होते हैं वो आई थिंक मुझे तो खैर विकी रोनो से पहले याद नहीं आ रही फिल्म हो सकता है वो पॉपुलर फिल्म और वो सेम चीज अगर आप देखो बाद में दो दुनी चार इफ आई एम राइट दो दुनी चार पहले आई थी या बाद में आई थी अगेन आई एम एट लॉस ऑफ कैलेंडर बट जो जो उसमें भी दिखाया या फिर अभी ऋषि कपूर की शर्मा जी नमकीन में भी जो दिखाया है वो सिमिलर चीजें हैं विच मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास कैन रिलेट कि भाई ऐसे लोगों से हम मिले हैं ऐसे लोगों को हमने देखा है तो वो भी एक विकी रोनर ने काफी कुछ परसेप्शन चेंज किया था कि भाई ये भी एक दिल्ली का ही पार्ट है एंड इवन सी आर पार्क वेयर ही सेज कि बंगालीज रहते हैं इतनी बड़ी तादाद में रादर और अपना कल्चर मेंटेन करते हैं व्हिच इज अ फैक्ट दे बहुत अमेजिंग तरीके से दिखाया था अच्छा So, yeah, finally, but thank you so much, Farad, and thank you so much, Manish ji, is celebration mein, like, mera hissa banne ke liye. I hope, like, ye, aur ek, hum aur ek koi celebration video mein zarur, like, aap dono ek saath aa paaye. So, yeah, thank you so much, Farad, and thank you so much, Manish. Thanks. Thanks a lot of fun. Thank you. Yeah, thanks, Farad. Great meeting you, and Sanket, as usual, always. जुड़ने के लिए लाइक थ्रू चैट्स आई नो सुहानी बहुत एक्साइटेड थी इस वीडियो में आने के लिए आई थिंक वो लाइक शी कुडंट बी ऑन दिस वीडियो But yeah, thank you so much for Suhani, like for joining in the chats as always. So yeah, thank you so much to Manish and Farad as well. So we'll see some other video as well. And one last thing, please read the article also. I think mere ek puzzle mitra hai, Sadiq Suleiman. Unhone wo likha hai 10 years celebration of Wiki Donor on my site Popcorn Reviews with a double S. आप प्लीज वो भी रीड करिए आई थिंक लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सुबह पढ़ चुका हूं ऑलरेडी बिकॉज़ सादिक से आई एम क्वाइट कनेक्टेड विद सादिक एज वेल सो आई हैव रेड इट इट्स अ ग्रेट ही रोट इट वेरी वेल या नो डाउट सो आई होप व्यूअर्स भी पढ़े एंड यू नो लाइक हेल्प मी आउट विद सम ट्रैफिक एज वेल श्योर या सो या गुड बाय एंड गुड नाइट एवरीवन गुड नाइट थैंक यू बाय